बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये क्या होता है, जो रुपए बताता हूँ ना मैं, वो इधर के होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते। कायमा का मेरा पोस्ट फेवरेट कायमा। ये देखो जी, ये है गोश्त, यहाँ पे गोश्त वगैरह की कीमतें देख लो। तो लाइक लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मैं घर के पास मार्केट में आया हूँ, मैं सोचा एक बार फिर से आपको दिखाया जाए कि ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो चुकी हैं तुर्की में। मुझे यहाँ से तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह लेनी है और जो जो भी लेना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, साथ प्राइस वगैरह भी दिखाता हूँ कितनी जो है ना चीज़ें तुर्की में जो है ना महंगी होती जा रही है दिन ब दिन, यानी महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी एक गुजारिश है उससे पहले, अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि जब भी मैं इस तरह की अच्छी वीडियोज़ डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जो है ना आप ये देख लो, माल्टे वगैरह जो है ना 14 रुपये किलो हैं, और फिर ये वाले जो सेब हैं ये 12 रुपये किलो हैं, और ये वाले जो सेब हैं ग्रीन कह लो ये भी 12 रुपये हैं, और ये वाले माल्टे 14 हैं, ये वाले भी जो एप्पल हैं ग्रीन 12 रुपये। और कुछ सस्ती सब्ज़ी ख़रीदनी हो तो ये पीछे लगाई होती है इन्होंने अक्सर, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये सारी चीज़ों के रेट वगैरह। इधर ये मिर्चे और बैंगन वगैरह हैं। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, इसलिए शॉर्ट में करूँगा। और मुझे जो है ना ये प्याज लेनी है, प्याज आप चेक कर लो 13 रुपये किलो है, और आलू जो है 12 रुपये किलो। इधर प्याज वगैरह या कोई भी चीज़ लेनी हो ना तो इस तरह से ये शॉपर रखे होते हैं, ठीक है, एक शॉपर आपने लेना है ऐसे, और फिर जो प्याज आपको अच्छा लगे वो आप शॉपर में डाल लो। मैं फिलहाल शॉपर में डाल लूँ प्याज अपने लिए, मैंने जो है ये प्याज लिया है फिलहाल। अंदर आते साथ ही दोस्तों आपको ये सब कुछ मिलेगा, और अंदर वाले फल फ्रूट की प्राइस में डिफरेंस आप चेक कर लो। ये जो है माल्टे 18 रुपये के हैं, सेब भी 18 के हैं, ये वाले भी जो है अनार वगैरह हैं ये भी 20 रुपये के हैं, मुख्तलिफ कीमतें हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। तो ये केले आप देख लो 18 रुपये के, वो जापानी फ्रूट जापानी फल यानी ये भी जो है 18 रुपये किलो। और ये खीरे चेक करो जी आप, बेहतरीन किस्म के 14 रुपये, साथ टमाटर 20 रुपये, और साथ मिर्चे वगैरह आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं। फिलहाल इधर से टमाटर और मिर्चे लेनी है, वो मैं डालता हूँ पैक करता हूँ। फिलहाल जो है ना दोस्तों आप ये मिर्चों का साइज़ चेक करो, और साथ टमाटर, और ये प्याज है मेरी। मुझे यहाँ से जो है ना और कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदना, ये आप मिर्चें चेक करो, अच्छी अच्छी मिर्चें और टमाटर भी इसमें से निकालना ना, एक फनकारी है कह लो। ये लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्चें देखो जी कितनी महंगी हैं, 39 रुपये की। ये 39 रुपये, ये रुपये जो मैं बोलता हूँ ना ये तुर्किश लीरा होते हैं, पाकिस्तानी रुपीस नहीं होते। अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं भाई पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहे हो। ये हैं जनाब लीमू, लीमू देख लो जी 14 रुपये, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि ये देख लो आप अखरोट वगैरह हैं, और अखरोट के बाद जो है ना अखरोट की कीमत 30 रुपये है, और लहसुन वगैरह जो है ना उसकी कीमत इधर लिखी हुई नहीं है। और ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं, ये कान बार गोभी को बोलते हैं जो कि 10 रुपये किलो है। बाकी ये धनिया वगैरह अगर आपको चाहिए हो, धनिया को जो है ना मैदनोस बोलते हैं, और दे रहे हो तो जो है ना ये वाली चीज़ है 3 रुपये का है, मतलब ये किलो के हिसाब नहीं है, वही गुच्छी के हिसाब जैसे अपने वहाँ होता है। और सामने भी कुछ चीज़ें, और जो भी आप ख़रीदते हो ना ऐसी मार्केट से तो उसको जो है ना इधर वज़न करवाना होता है और स्टिकर लगवाना होता है। कोला कैसे ना रखा भाई, इस तरह से जो है ना इसको स्टिकर लगवाना होता है वेट करवा के। ये कुछ फल फ्रूट वगैरह इधर भी आप चेक कर लो, और कमेंट करके बताना कि ये मार्केट जो है आपको कैसी लगती है। और ये है जनाब कॉफ़ी वगैरह, अगर आप चाय कॉफ़ी वगैरह के शौकीन हैं, खाली कॉफ़ी है चाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है यहाँ की बहुत मशहूर चीज़ मानते, ये आप चेक कर लो मानते। और ये कुछ लेज वगैरह टाइप डोरिटोस 20 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से। और मिक्स अगर ड्राई फ्रूट आपको चाहिए तो ये पैकेट की कीमत जो है ना मैंने लिखा हुआ है जी 30 रुपये। और कुछ टोस्ट स्टिक वगैरह, टोस्ट ब्रेड वगैरह सॉरी, और भी काफ़ी वैरायटी इधर से आपको मिल जाती है, जैसे कि डबल रोटी हैं, और ये रोटियाँ वगैरह हैं, ये क्रोसेंट हैं, ये जो रेडीमेड रोटियाँ हैं ना नीचे कीमत लिखी है 28 28, और अगर हम डबल रोटियों की बात करें तो उसकी कीमत लिखी है जी 18 रुपये।
तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इधर पराठे वगैरह भी मिल जाते हैं, फिलहाल पराठे नज़र नहीं आ रहे, और ये सादी रोटी है कह लो। तो सादी रोटी की जो है ना कीमत नहीं लिखी हुई थी, और इधर भी कुछ ये ड्राई फ्रूट हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इनके उनके। तो चाय के मग्स इनकी अक्सर ज़रूरत होती है मेरे जैसे बंदे को, तो ये 20 रुपए के मग्स हैं, मग हैं। उसके अलावा ये चॉकलेट्स वगैरह हैं काफ़ी सारी, और फिर जो ज़रूरी चीज़ होती है ना ये जैतून ऑयल वगैरह, जैतून का ऑयल वगैरह जो है, ठीक है। ये देख लो जी 60 रुपए का है, ये 65 का है, इसमें भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, ब्रांड के हिसाब से रेट है। और जो नॉर्मल ऑयल है वो यहाँ पे है जी 55 रुपये, ये पे 47 रुपये, तो ये 100 रुपये इस तरीके से। और ये कुछ फ्राई पैन, और ये है जनाब एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इनकी, ये जो एक पैटर्न है 18 का है 6 वाला, ठीक है। और ये चाय वगैरह इनकी जो लोकल चाय इस्तेमाल होती है ना, कीमत देख लो। वैसे तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, मैं पूरी मार्केट नहीं विज़िट करने वाला, ये मेरी साइड पे भी जो है ना ये सारे जूस वगैरह हैं, अगर जूस वगैरह पीने हो ये भी मुनासिब है। किसी एक की कीमत दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये वाले 22 रुपये का रेट लगा, सबका आलमोस्ट सेम ही है। तो दूध की तरफ आ जाते हैं आप, दूध ये डब्बे वाला पिनार का जो दूध है ना, ये इसका बहुत मशहूर है, ब्रांड है कह लो, तो 25 का है 1 लीटर। तो लोकल में आ जो ये वाले कुछ थर्ड क्लास से हो जाते हैं, थोड़े हल्के हो जाते हैं, लो क्वालिटी, 18 का है। इससे भी ज़्यादा सस्ता लेना हो तो वो आपको भीम शॉप से मिलता है 15 का, मैं भी वही इस्तेमाल करता हूँ, ऐसी भी बात है, कितना भी थकड़ नहीं है, अच्छा दूध है। उसके बाद ये आटा वगैरह आप चेक कर लो जी, ऊन बोलते हैं, 2 किलो जो है ना शैम आटा 33 लीरे का है। और मैं आप लोगों को इधर पे क्या दिखाऊं, मैं वो सोच रहा हूँ। तो ये भी जो है ना कुछ चाय वगैरह है दोस्तों, चाय मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये जो है ना वॉशिंग वगैरह के लिए कुछ क्लिनिंग का सामान वगैरह 50, 34, 35, 52, ये साबुन वगैरह। और आटे में भी अगर हम ज़्यादा गहराइयों में जाएं, आटे के भी काफ़ी ब्रांड्स हैं इनके पास भी ना, तो ये मुख्तलिफ कीमतें आटे की भी, इधर किलो 2 किलो आधा किलो जो भी लेना हो। इसके अलावा ये भी आप चेक कर लो, सारे डिटर्जेंट ही हैं ये। फिर इसके बाद बारी आ जाती है मिर्च मसालों की, तो ये जनाब आप मिर्च मसालों की कीमतें चेक कर लो, 12 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये। ये फूल भी बढ़ जाना, कुटी हुई मिर्च जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये क्या होता है। भाई वैसे तो ये आप खुद ही देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है दौल मालिक फिस्टिक। इसको जो है ना हम लोग चिलगोज़ा बोलते हैं, ये लोग ये बोलते हैं फिस्टिक, बड़ी मज़े की चीज़ है। और महंगा है चिलगोज़ा, इधर भी बहुत महंगा है, सबसे महंगा है चिलगोज़ा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड चिलगोज़ा महंगा ही है मेरे ख्याल से, कमेंट करके बताना। तो ये देख लो जी, तुर्की में चिलगोज़ा ऐसे छिला हुआ मिलता है, बहुत से लोग बोलते हैं जी चिलगोज़ा नहीं मिलता तुर्की में, तो भाई सब कुछ मिलता है, आपके ढूंढने पर है। असल में लोगों को चीज़ों का नहीं पता होता, जो मैंने देखा है ना, ये भी मिर्च मसाले हैं सारे। और ये चीनी है, चीनी की कीमत भी दिखाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। चीनी जो है ना भाई जी, ये 3 किलो है 80 रुपये, और 1 किलो के पैकेट हैं 22 रुपये, और ये बॉक्स वाली है, ये है खुली चीनी 28 की। तो यार साथ में कस्टमर वगैरह भी हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं ऐसी चीज़ों से। तो आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेडीमेड चिकन वगैरह भी आपको मिल जाते हैं फ्रीज़रों में, आइसक्रीम ये वो, मेरी फ़िलहाल ज़रूरत कोई नहीं है उनकी। वैसे तो मैं जो है ना आज बनाना था कीमा, और ये जैतून वगैरह की कीमतें देख लो मुख्तलिफ हैं। तो वैसे दोस्तों इनके पास चिकन वगैरह भी है, गोश्त भी है, कीमा भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो जो है ना इधर से नहीं ख़रीदना, मुझे वो बाहर कसाई से ख़रीदना है, वो भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ से भी खरीदूँगा ना वो भी आपको दिखाऊँगा। और भी काफ़ी वैरायटी है यार यहाँ पे आपके ख़रीदने के लिए, ये रेडीमेड हैं सारी चीज़ें। और ये जो है ना कायमक है, मेरा बहुत फेवरेट कायमक है, मुझे बड़ा मज़ा आता है कायमक खाने का दोस्तों। ये कुछ हलवे वगैरह हैं इनके, और ये पनीर हैं, कस्टर्ड हैं, सारा कुछ है ये। बाकी फ्रीज़र की वैरायटी उधर आगे चले जाओ तो वो भी आ जाती है, लेकिन मुझे वो नहीं लेनी। हाँ अंडे आपको दिखा देते हैं, अंडों की कीमत, अंडे जो है ना वो भी ब्रांड वाले हैं, ठीक है। ये 6 अंडे जो है ना 20 के हैं, ये 10 अंडे 35 के हैं, मुख्तलिफ रेट हैं, ये ब्रांड वाले हैं इसलिए महंगे। मैं आपको सस्ते अंडे दिखाता हूँ, इधर सस्ते अंडे भी होते हैं,
मतलब जो पूरी ट्रे होती है ना अंडों की वो सस्ती होती है। क्या और ये जो है ना दोस्तों दही है, देख लो 45 रुपये किलो दही। और ये जो जैतून है ना ये मुझे बहुत पसंद है, तो एक आदत ये भी पकड़ लेते हैं। खाने का बड़ा मज़ा आता है मिर्च मसालों वाले ना, लेकिन बाद में लेते हैं। फ़िलहाल ज़रा अंडे दिखा दूँ आपको, अंडों की प्राइस। हाँ वो रहे अंडे सामने, ये देखो जी ये है गोश्त। यहाँ पे गोश्त वगैरह की कीमतें देख लो आप, एक किलो का रेट है इधर जी। दोस्तों ये हैं अंडे, 20 वाली जो कोली है ना अंडों की, 20 वाले जो अंडों की कोली है ना वो है 47 रुपये की, और जो है ना 30 वाले जिसके अंदर 30 अंडे हैं ना वो है जी 68 की, ठीक है। तो वहाँ से मैंने वो जैतून लेने हैं, और बस मेरी शॉपिंग ख़त्म यहाँ की। बाकी इधर बिस्किट वगैरह भी काफ़ी हैं, आप लेना चाहो ये बिस्किट केक ये वो छोटी मोटी चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगी सारी। बहुत बड़ी मार्केट है वो रहा, आप चेक कर सकते हो, एक ही मार्केट के नीचे जो है ना सारा कुछ आपको मिल जाता है। मैंने सोचा आपको क्यों ना गोश्त वाले की दुकान भी दिखाई जाए। आप देख सकते हो मुझे आधा किलो कीमा लेना था जो कि उसने मशीन में डाल दिया काट के। यहाँ पे मशीन आप चेक कर सकते हो कितने खूबसूरत और वीआईपी किस्म की मशीन है। सबसे बढ़ के जो दोस्तों फीलिंग आती है ना यहाँ पे, वो ऐसे लगता है कि आप कसाई की दुकान पर नहीं डॉक्टर की दुकान पर आए हुए हो। ये आप चेक कर सकते हो, कलेजी है, पड़ वगैरह है, लेग पीस हैं, कोफ्ते हैं और सुजुक वगैरह। इसके अलावा गोश्त की कितनी खूबसूरत वीआईपी किस्म की पैकिंग है और चिकन वगैरह की भी। बाकी मुझे इनको देख के ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं जो है ना कसाई की दुकान पे हूँ कि डॉक्टर की दुकान पे हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की थी, कसाई की दुकान पर कीमत में काफ़ी डिफरेंट था, थोड़ी महंगी थी चीज़ गोश्त चिकन वगैरह, और मार्केट में सस्ता था। इसका डिफरेंट आपने बताना है कि क्या वजह है। तो मैं फिलहाल आया हूँ एक गोश्त वाले की दुकान पे। मैं जो है ना यहाँ से चिकन और कीमा वगैरह लेता हूँ, तो बहुत से लोग जो है ना चिकन और कीमे की प्राइस भी पूछते रहते हैं। तो चिकन की जो प्राइस है ना वो 48 रुपये लीरा है। ये जो रुपये बताता हूँ ना मैं वो इधर के होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते। पाकिस्तानी रुपीज़ में कैसे आ सकता है, खुद सोचो, सेंस वाली बात होती है। और जो कीमा है ना कीमा 180 रुपये किलो है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल आप यहाँ का ज़रा चिकन वगैरह और ये वो सब चीज़ें चेक करो। और बहुत से लोग जो है ना तनख्वाह वाली वीडियो पे यही बोल रहे थे जी कि महंगाई के ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो भाई मैंने उसमें वीडियो में भी जिक्र किया था महंगाई अच्छी खासी है, ये आप रेट चेक कर सकते हो, लेकिन आप कमा भी अच्छा रहे हो तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। पराठे वगैरह जो है ना दोस्तों वो मैं यहाँ से लेता हूँ। सादा पराठा जो है वो 5 रुपये का है, और जो आलू और पनीर वाला होता है वो आता है जनाब 7.5 का, और ये नान जो है ये 4 के हैं। जो लावश है रोटी वो भी 4 की है। इसके साथ ये दुकान है बोड़क पोछे वाले की, जिसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के बोड़क और पोछे वगैरह अवेलेबल होते हैं वो भी नाश्ते के लिए। और ये थाना बहुत मशहूर है, मेरे दो दोस्त वगैरह यहाँ पे पकड़े गए और डिपोर्ट हो चुके हैं। मैं सोचा दुकान अंदर से भी आपको दिखाई जाए। ये बच्चा जो था ना मुझे छुप छुप के देख रहा था, अभी भी आप देख ही सकते हो। तो पराठे वगैरह नान तुर्की में जो ना ऐसी इस लंबी सी स्टिक आप देख रहे हो, दो डंडे इस पर रखते हैं और उसको आग के अंदर भट्टी में मतलब तंदूर में कह लो आप एक किस्म का रख देते हैं पकने के लिए। तो ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सकता है अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं। बाकी मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।